हेलो एंड वेलकम टू मजेवाला स्ट्रीट फूड। दोस्तों मैं चंद्रकांत सुथार, अपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा मैं आज कहां पर आया हूं। दोस्तों आज मैं आया हूं लापिनोज पिज़्ज़ा में। दोस्तों ये जो रोड है सोबो सेंटर से आता हुआ है, यहां पर रोड पे ही आर्यन ग्लोरिया करके बिल्डिंग है, उसके अंदर ग्राउंड फ्लोर पर ही है लापिनोज पिज़्ज़ा। और ये जो आउटलेट है अभी भी नया ओपन हुआ है, तो यहाँ पर मुझे इन्वाइट आया था कि आप यहाँ पर आओ और हमारी वीडियो बनाओ, तो आज मैं लापिनोज पिज़्ज़ा में आया हूँ। यहाँ के रिव्यू के बारे में तो आप सब जानते ही हो, आप सब ने लापिनोज के पिज़्ज़ा बहुत सारे खाए हुए हैं, तो रिव्यू तो ठीक है, बट मैं लापिनोज पिज़्ज़ा के बारे में आप जो चीज़ नहीं जानते वो भी इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मैं दूंगा। यहाँ पर क्या क्या प्रिपरेशन होती है किचन में, लोग क्या कैसे बनाते हैं, डो कैसे बनाते हैं, सारी चीज़ें लापिनोज पिज़्ज़ा का मैं किचन विज़िट कराऊँगा, उसमें पिज़्ज़ा कैसे बनते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा। तो वीडियो पूरी देखिएगा, मज़ा आएगा। तो चलिए अभी लापिनोज पिज़्ज़ा में जाते हैं और इसका पूरा विज़िट मैं करवाता हूँ। तो दोस्तों अब बारी है किचन विज़िट की, कैप वैप लगा के मैं रेडी हो गया हूँ। तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको कि अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है, पिज़्ज़ा कैसे बनता है। सिर्फ पिज़्ज़ा नहीं, मैं तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ की बताऊँगा जो आप जानते भी नहीं हो कि यहाँ लापिनोज है वो क्या क्या बनाता है, क्या क्या बेचता है, और उन सब का टेस्ट है। जो पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा का तो टेस्ट आप सबको पता ही है कैसा है, पर कुछ जो नई आइटम है वो मैं टेस्ट करके आपको मैं 100% बताऊंगा कि उसका टेस्ट कैसा है और वो टेस्ट करनी चाहिए या नहीं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, आपने कभी लापिनोज का किचन नहीं देखा होगा तो आज देख लीजिए, ये पूरा किचन का सेटअप है और आज सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा। यार बेस कैसे रेडी होता है, बेस से पहले जो डो होता है वो कैसे रेडी होता है, और टॉपिंग्स कैसे लगते हैं, सॉसेस कैसे लगाते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ये दोस्तों सारे टॉपिंग्स हैं, ये मोज़रेला चीज़ और ये है चीज़ी 7 के लिए चीज़। देखिए दोस्तों, डो जो होता है वो ऐसे बनता है, ये मॉन्स्टर पिज़्ज़ा के लिए डो बन रहा है। डो बनने की प्रोसेस ऐसी है, कितने टाइम में बन जाता है डो, टाइम कितना लगता है? 20 से 30 मिनट। 20 से 30 मिनट लगती है। और ये क्या डाल रहे हो आप? ऑयल। दोस्तों डो रेडी हो गया है और अब इसको निकाल के इसके बॉल बनाएंगे। बॉल बनने से पहले उसका वेट होता है। इसका वेट किया था कितना हुआ था? 1250, मतलब 1 किलो 250 ग्राम। अच्छा, दोस्तों ये बॉल रेडी हो गया, इसके ऊपर लगा रहे हैं ऑयल और इसको अब 5 मिनट के लिए रखा जाएगा प्रूफ होने के लिए। देखिए दोस्तों, ये प्रूफ होके बड़ा हो गया है, ये फूल गया है, अब इसका बनेगा मॉन्स्टर पिज़्ज़ा। देखिए दोस्तों, बड़ी सी शीट लिया, उसके ऊपर ऑयल डाला है और इसके ऊपर स्टेपिंग होके बनेगा मॉन्स्टर पिज़्ज़ा का बेस। ये 24 इंच का पिज़्ज़ा है, मैक्सिमम साइज़ है इसकी, इसको मॉन्स्टर पिज़्ज़ा बोलते हैं, जो सबसे पहले लापिनोज ने ही लॉन्च किया था। देखिए दोस्तों, उसको स्टेपिंग कर करके पूरी तरह से पूरा फैला दिया है और हर जगह से उसकी जो थिकनेस रहती है वो सेम रखते हैं। देखिए दोस्तों, ये पूरा 24 इंच का बेस बन के रेडी हो गया है, अब इसको ऐसे पलटेंगे। दोस्तों कभी देखा है इतना बड़ा पिज़्ज़ा बनते हुए? मैं आज पहली बार देख रहा हूँ कि 24 इंच का पिज़्ज़ा है वो ऐसे बनाते हैं। और अब लगेगा इसके ऊपर सॉसेस। ये जो सॉस है कौन सा सॉस है? इटालियन सॉस। दोस्तों इतना बड़ा पिज़्ज़ा बनता हुआ मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ और ये शूट भी फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ। आपने कभी देखा है ऐसे पिज़्ज़ा बनते हुए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने देखा है या पहली बार देख रहे हैं। सॉसेस लगने की प्रोसेस अब ख़त्म हो गई है। देखिए दोस्तों, अब इसके ऊपर आ गया मोज़रेला चीज़। ओके, अब थोड़ी देर रखेंगे, 5 मिनट या ऐसा प्रूफिंग के लिए। देख, अब इसको हाफ पास करेंगे। एक साइड से पिज़्ज़ा गया, यहाँ से बाहर आएगा, आप पास हो गए,
अब उसके बाद इसके ऊपर टॉपिंग वगैरह जाएंगे और उसके बाद रोल आउट होगा फुल पास के लिए और फिर हमारा पिज़्ज़ा जाके होगा रेडी। ये हाफ बेक हो गया है, अब इसको चेंज कर दिया उसका बेस, अब इसके ऊपर होगा टॉपिंग। इसके अंदर अलग अलग स्लाइस बनेगी और स्लाइस कौन सी बनेगी भैया बताएंगे? चीज़ी सेवन रहेगा एक, पनीर टिक्का बटर मसाला रहेगा, इंग्लिश रिट्रीट रहेगा और वेज पेरी पेरी रहेगा। बनते हुए देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है, आपको भी आता ही होगा। कोई बात नहीं, आ जाओ लापिनोज पिज़्ज़ा में भोपाल की ब्रांच में। दोस्तों ये सारी प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इतनी प्रोसेस आपको कभी किसी ने नहीं दिखाई होगी किचन में जाके। आज लापिनोज़ की ये सारी प्रोसेस आपके सामने आई है, जो किचन में कैसे उसके पिज़्ज़ा बनते हैं वो सारी चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो स्लाइस रेडी की, ये कौन सी स्लाइस है? इंग्लिश रिट्रीट। ओके, तो ये अपनी सेकेंड स्लाइस रेडी हो रही है। इसके अंदर आ गए कैप्सिकम, उसके बाद आ गए प्याज, ये है मशरूम, ये हमारा एक्जोटिक पनीर है जो पनीर टिक्का में स्पेशली यूज होता है। ये एक्जोटिक पनीर? हाँ, ग्रेवी वाला पनीर होता है ये। अच्छा, ये डेली का बनता है ग्रेवी के साथ? हाँ, डेली को रात को बनता है ये, मेरीनेट करने का होता है पनीर इसमें, तो ये रात को कर देना करें। जो ग्रेवी बनी हुई वो चीज़ है या कुछ और है? वो ग्रेवी होता है, वो रेडी ही आता है हमारा। अच्छा, कंपनी से सीधा। ओके, अब ये जो स्लाइस है वो रेडी हो रही है सेवन चीज़ पिज़्ज़ा के लिए। ये स्पेशल सेवन चीज़ का जो चीज़ है वो है, ये जो स्लाइस है उसकी सारी कस्टमाइज हो सकती है। हाँ, किसी को मतलब कोई ऑर्डर दे, हाँ, कि मुझे ये स्लाइस चाहिए तो वो आप दे सकते। हाँ, वो हो सकता है, चार फ्लेवर हो सकता है एक पिज़्ज़ा के अंदर। एक पिज़्ज़ा के अंदर चार मैक्सिमम। हाँ, इसकी प्राइस में डिफरेंस आता है फिर? हाँ, जो हाई प्राइस होता है उसका काउंट होता है, वो दूसरा तीन होता है ना वो उसमें काउंट हो जाता है। ओके, जो मैक्सिमम प्राइस वाला जो पिज़्ज़ा होता है उसका काउंट होता है प्राइस। ये मेल्टेड चीज़ है? हाँ, ये मेल्टेड चीज़ है। टॉपिंग पूरा हो गया, चीज़ है उसका। ओके, ये दोस्तों टॉपिंग इसका पूरा हो गया रेडी, अब इसके ऊपर जाएगा मोज़रेला चीज़। देखिए दोस्तों, देखने में कितना बड़ा दिख रहा है ये पिज़्ज़ा, और ये करीबन 10 लोग तो आराम से खा सकते हैं। और इसका वेट कितना होता है पूरा सब रेडी होके? पूरा सब रेडी होके इसका 2-2.5 kg। 2.5 kg? हाँ दोस्तों, 2.5 kg का पिज़्ज़ा। और आपको मैंने बताया सर, डीप में मैंने कभी नहीं देखा पिज़्ज़ा बनते हुए, क्या दिख रहा है, क्या लग रहा है, बहुत हैवी। देखिए दोस्तों, ये पिज़्ज़ा अपना रेडी हो गया है, अब जाएगा फुल बेक के लिए। फुल बेक हो के अपना पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा 3 मिनट और 45 सेकेंड। ये जो ओवन होता है सब पिज़्ज़ा के लिए कॉमन रहता है? हाँ, सब पिज़्ज़ा। ओके, गार्लिक ब्रेड हो या पिज़्ज़ा कुछ भी हो? गार्लिक ब्रेड होता है वो आपसे पास होता है। अच्छा, देखिए दोस्तों, फुल पास हो गए, फुल बेक हो गए अपना पिज़्ज़ा आ रहा है, और सबसे पहले सेवन चीज़ ही दिख रहा है। देखो दोस्तों, मॉन्स्टर पिज़्ज़ा अपना रेडी होके आ गया, उसके अंदर टोटल चार टाइप के पिज़्ज़ा हैं, चार टाइप के स्लाइसेस हैं। देखिए, ये ट्रांसफ़र हो गया बॉक्स में, बॉक्स भी उसका मॉन्स्टर ही है, कटआउट हो गया यहाँ पर। देखो, सारी स्लाइस रेडी हो गई है, कट आउट हो गया पूरा पिज़्ज़ा,
और देखिए दोस्तों कितना बड़ा पिज़्ज़ा है, 24 इंच का पिज़्ज़ा है और टोटल स्लाइस कितनी बनती है, 12 स्लाइस बनती हैं टोटल। देखिए दोस्तों ये आ गया अपना मॉन्स्टर पिज़्ज़ा। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको खाऊंगा कैसे। ये अकेले का काम नहीं है, इसके लिए मिनिमम 6 या 7 लोग तो चाहिए ही चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं, 7 चीज़ पिज़्ज़ा है। उसके बाद ये कौन सी स्लाइस है, ये पनीर टिक्का है, ये वेज पेरी पेरी है और ये है इंग्लिश रीट रीट। ये 4 टोटल 4 फ्लेवर हैं इस पिज़्ज़ा में। और सबसे जो यहाँ का मैं पूछ लेता हूँ कि सबसे ज़्यादा कौन सा चल रहा है, सबसे ज़्यादा तो 7 चीज़ चल रहा है। ये तो मैंने बहुत बार टेस्ट किया है, आप सबने भी बहुत टेस्ट किया होगा 7 चीज़ पिज़्ज़ा। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा आता है, वेज पेरी पेरी, ये वाला। तो 7 चीज़ मैं बाद में रखता हूँ कि 7 चीज़ का टेस्ट है, सबको पता है कैसा है। और लापिनोज़ का सबसे फेवरेट जो पिज़्ज़ा होता है वो 7 चीज़ ही है और मैंने सबसे ज़्यादा 7 चीज़ ही खाया है। तो आज मैं ट्राई करूँगा ये जो वेज पेरी पेरी है। देखिए दोस्तों ये वेज पेरी पेरी का स्लाइस है। आप सब भी यहाँ पर आते हो, 10 लोग भी आओगे तो ये पिज़्ज़ा आपके लिए परफेक्ट है। और इसका मैंने जो प्राइस बोला था आपको कि इसमें जो भी फ्लेवर आप बनवाना चाहते हो बनवा सकते हो, पर जो प्राइस रहेगा वो जो मैक्सिमम प्राइस वाला पिज़्ज़ा आप जो सिलेक्ट करते हो वो रहेगा। तो चलिए अब आ गया है बारी टेस्ट करने की। वाह, इतनी बड़ी स्लाइस है, खाई नहीं जा रही हाथ में। ऐसे ही जो इन लोगों ने लाया है ये रैपर वो बहुत बेस्ट है, क्योंकि ऐसे आप हाथ में नहीं ले सकते हो। तो इसका जो टेस्ट आया है वाकई में बहुत बेस्ट आया है। और इसके अंदर जो सॉसेस डले हुए हैं उसके ऊपर ये जो पनीर के क्यूब हैं और साथ साथ में ये जो मशरूम है, प्याज भी है और मैक्सिकम है, ये इन सब का टेस्ट जो मिल के आया है बहुत बेस्ट है। और साथ में ये जो लापिनोज़ की मेन बात ये है कि ये जो आपको बनाकर देते हैं वो पहले डो बनाते हैं, उसके बाद उसका बॉल तुरंत, और उसके बाद उसका बेस बनाकर आपको लाइव ही देते हैं, ताकि इसका जो टेस्ट है वो एकदम आपको बेस्ट मिले। तो मुझे तो ये जो वेज पेरी पेरी है बहुत अच्छा लगा। 7 चीज़ जो मैंने आपको बताया वैसे ही कि सब ने टेस्ट किया हुआ है, इसका तो रिव्यू मैं क्या करूँ, आप सब ने ऑलरेडी कर ही दिया है। एक स्लाइस में ख़त्म कर लूँगा तो दूसरी में कोई टेस्ट नहीं कर पाऊँगा। मेन प्रॉब्लम ये है क्योंकि स्लाइस यहाँ की इतनी बड़ी बड़ी है, और बेफिक्र रहिए ये स्लाइस जो है ये वेस्ट नहीं करूँगा मैं। और इसके बाद आप बताइए मैं कौन सा टेस्ट करूँ, इंग्लिश रीट रीट, इंग्लिश पेरी पेरी। इसके अंदर टॉपिंग सिमिलर ही था, चेंज है सिर्फ और सिर्फ टमाटो है, रेड और टमाटो है और ये रेड पेरी पेरी। ओके, देखने में दोस्तों सिमिलर ही है बट थोड़ा टेस्ट उसका चेंज आएगा, देखते हैं क्या टेस्ट आता है, अलग आता है सेम ही रहता है। यस, चेंज तो है। ये जो पेरी पेरी है उसका टेस्ट थोड़ा अलग आ रहा है, बाकी थोड़ा सिमिलर है, बट ये भी खाने में तो अच्छा ही है। स्लाइस बड़ी बड़ी है और इसको हैंग करने के लिए पकड़ने के लिए ये जो दिए हैं वो वाकई में बहुत अच्छी चीज़ की है। अब मुझे लगता नहीं कि मुझे सारी टेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मैंने 2 स्लाइस चेक की है, टेस्ट की है, उसका टेस्ट तो मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा है। और जो ओरिजिनल पिज़्ज़ा हम जो खाते हैं हर जगह, ये जो छोटी स्लाइस लेके खाते हैं छोटा वाला पिज़्ज़ा, उससे तो ये बेटर ही लगा है मुझे, क्योंकि हम जो नॉर्मल रेगुलर साइज़ का पिज़्ज़ा आता है उसका बेस और इसका बेस, मुझे काफ़ी इसमें सॉफ्टनेस नज़र आया है और जो च्यू करना पड़ जाए हमें वो भी बहुत कम करना पड़ जाए। बेस्ट, मुझे लगता है मैं आज बहुत फुल हो जाऊँगा। मैं तो दोस्तों पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहा हूँ। आप भी यहाँ पर भोपाल में अगर विज़िट करते हैं तो लापिनोज़ का जो आर्यन ग्लोरिया में जो ब्रांच है उसका जो आउटलेट है 100% विज़िट करिए, बहुत मज़ा आएगा। यहाँ का जो एम्बियंस है, इंटीरियर है, बहुत बेस्ट है, तो आपको ये विज़िट करना बनता ही है, 100% रिकमेंडेड करता हूँ मैं तो आपको। वाह,
और ये जो पूरा पिज़्ज़ा बना उसकी सारी प्रोसेस मैंने आपको दिखाई, एकदम प्योर तरीके से बनाते हैं और पूरा फ्रेश बनाते हैं। और उसका जो ये मटेरियल है पूरा पंजाब से आता है, जो मेन लापिनोज़ की ऑफिस या जो भी आउटलेट बोलो वहाँ से आता है ये। तो हर जगह मटेरियल में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा। वो चीज़ यूज़ करते हैं, ये जो सोसेस यूज़ करते हैं वो भी अच्छी ब्रांड के यूज़ करते हैं। और थोड़े टाइम पहले मुझे बताया गया था कि जो लापिनोज़ है इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ब्रांड बन गया है पिज़्ज़ा में। और दूसरी चीज़ उन्होंने मुझे बताई थी कि जो लापिनोज़ है वो इंडियन स्टाइल में पिज़्ज़ा सर्व करता है, जो अपने इंडियन मसालाज होते हैं बाकी सारी चीज़ें होती है उसके हिसाब से। तो इंडियन लोगों के लिए जो लापिनोज़ पिज़्ज़ा है बेस्ट है। और मैंने आपको बताया वैसे ही कि आप अगर साउथ भोपाल या भोपाल का विज़िट करते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आइए और यहाँ के पिज़्ज़ा टेस्ट करिए। पिज़्ज़ा नहीं, इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। अगर मैंने पूरा पिज़्ज़ा खा लिया तो वो सारी चीज़ें मैं टेस्ट करके नहीं आपको बता पाऊँगा, इसलिए ये मैं यहाँ पर इतना ही छोड़ता हूँ। मेरे साथ बाकी लोग भी आए हैं, वो भी ये खाएंगे, ये वेस्ट नहीं करेंगे हम।